अक्सर मंदिरों में सभी ने देखा होगा कि शिवजी के मंदिर में अंदर भोलेनाथ के दर्शन से पहले बाहर नंदी बैल की प्रतिमा लगी होती है। भक्त पहले उनके दर्शन करते हैं, फिर भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। नंदी को भगवान शिव का वाहन कहा गया है। शिव और नंदी का रिश्ता क्या है आप तो जानते हैं, जहाँ भगवान शिव वही नंदी। दरअसल भगवान शिव का वाहन नंदी मेहनत का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बात ध्यान करने वाली है कि नंदी हमेशा भगवान शिव की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं। तो आइए जानते हैं इनका कारण। जब भी महादेव के मंदिर में जाते हैं तो हमारी नज़र शिवलिंग से पहले नंदी पर पड़ती है, यानी भोलेनाथ से पहले भक्त नंदी के दर्शन करते हैं। बैल के कानों में अपनी मन्नत बोलते हैं, इसके पीछे एक रोचक किस्सा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुरों के समुद्र मंथन के दौरान जो समुद्र से चीजें निकली उसे लेकर देवता और असुरों में लड़ाई होने लगी। ऐसे में शिवजी ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीकर संसार की रक्षा की थी। इस दौरान विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी थी। इस बूंदों को नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी का यह प्रेम और लगाव देख शिवजी ने नंदी को सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि लोग शिवजी की पूजा के साथ उन्हें भी प्रणाम करेंगे। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने नंदी को मंदिर में अपने समक्ष बैठने का भी वरदान दिया। साथ ही ये भी कहा कि जहाँ नंदी निवास करेंगे वही भगवान शिव निवास करेंगे। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है।